ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एज रिलेटेड फिजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ पटना जी। से। जी बोलिए। 34 इयर्स एज है जी, और मेरे स्किन पे हल्का सा भी स्क्रैच आने के बाद या कुछ भी अगर काट लेता है कीड़ा वगैरह तो वो स्किन उठ जाती है, इसमें इचिंग्स होता है और कालापन उसमें आ जाता है। अच्छा, तो ये क्या बचपन से आपको प्रॉब्लम है या अभी कुछ सालों से? बचपन से नहीं, ये करीब करीब 10 से 12 साल से ये है। तो दो तीन डॉक्टर से दिखाने के बाद वो बता रहे हैं कि ये वो किसी के कीड़े के काटने से नहीं है, ये आपका स्किन जो है ना क्लोइड या क्या करके बोल रहे हैं, जो कि ये ठीक इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बता पा रहे। देखिए, आपने कई चीजें बताई हैं। पहली चीज तो ये कि आप कह रहे हैं कि जब भी आपको कोई कीड़ा काट जाए या कुछ सेंस कुछ चीज से टच हो जाए तो वहां पर जो है उभार आ जाता है स्किन में, फिर काला निशान पड़ जाता है, फिर आपको किलोइड भी शब्द आपने एक प्रयोग किया। तो किलोइड तो एक थोड़ा सा क्या होता है कि त्वचा आपकी शुष्क हो जाती है, वहाँ उभार आ जाता है और वो थोड़ा सा मुश्किल है ठीक करना। लेकिन अगर आप इसको मूल रूप से समझने की कोशिश करें, आयुर्वेद की दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें, तो रक्त दुष्टि तो है आपको, आपका रक्त धातु जो है वो दूषित हो चुका है किसी भी कारण से, मुख्य रूप से पित्त की वजह से होता है। आयुर्वेद में हम जब भी त्वचा के दोषों त्वचा के रोगों की बात करते हैं तो वहाँ पित्त का इन्वॉल्वमेंट आता है। पित्त के बारे में आपको मालूम ही है, अभी तो गर्म चीज़ें, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, चाय, कॉफ़ी, नॉनवेज, बहुत ज़्यादा तम्बाकू या इस तरह की चीज़ों का सेवन करना, जो कि नशीले पदार्थों का सेवन करना, अल्कोहल का सेवन करना, ये तमाम चीज़ें पित्त को बढ़ाती हैं आपके शरीर में। तो एक तो रक्त शुद्धि चाहिए, दूसरा पित्त का शमन चाहिए, विरेचन बहुत अच्छा रहेगा। अभी हमने पंचकर्म का जिक्र किया था पिछले बार जब दर्शक से बात कर रहे थे, तो पंचकर्म जो है उसमें बहुत फायदा करता है। विरेचन अगर आपको कराया जाए तो पित्त सारा निकलता है, रक्त शुद्धि होती है और दोषों की जो है शुद्धि होती है, धातुओं की शुद्धि होती है। तो रोग आपका मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक हो सकता है और इसमें आराम ज़रूर आएगा आपको, क्योंकि जो त्वचा के पुराने रोग होते हैं उनमें हमने देखा कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। हालांकि कुछ ऐसे पर्टिकुलर रोग हैं जिनमें थोड़ा सा समय लगता है, मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम देखें जितने भी स्किन डिजीजेज हैं उसमें आयुर्वेद बहुत कारगर है। जैसे पेट के रोगों में आयुर्वेद बहुत कारगर है, तो वो आपको समझना चाहिए। उसमें ज़्यादा समय आप वेस्ट ना करें इधर उधर। तो मैं आपको कहता हूँ कि त्वचा का कोई भी रोग किसी को भी हो तो उसमें तुरंत आयुर्वेद में आ जाएं तो जल्दी आपको आराम आ जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही बताना चाहेंगे आपको कि नीम का चूर्ण आप बना लें, नीम के पत्ते सुखा के उसका चूर्ण बना लें और वो आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को ताज़ा पानी से आप सेवन करना शुरू कर दीजिए। 2-4 सप्ताह इसको खाइए, इससे कुछ आपको थोड़ा बहुत रिलीफ ज़रूर लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ प्रॉपर आयुर्वेदिक उपचार भी बहुत ज़रूरी है। और उपचार पूरा शास्त्रीय विधि से उसको समझ करके, रोग का जो संप्राप्ति समझ करके फिर उसमें किया जाता है, जो कि हमारे यहाँ पर एक हमने सिस्टम बनाया है उसका, कि आपके जो कंसल्टेशन होती है आपसे पूरा विवरण लिया जाता है, फिर रोग का जो एक पूरा मैप बनाया जाता है कि कैसे रोग कहाँ से कहाँ पहुँचा, संप्राप्ति जिसको हम कहते हैं, उसके पश्चात फिर उसका प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है कि क्या दवाई इसमें काम करेगी क्या नहीं करेगी। हर व्यक्ति का अलग अलग है। अब किलोइड की बात करें, अगर मान लो किलोइड के मेरे पास 5 पेशेंट हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5ों को हम एक ही दवाई देंगे। यही आयुर्वेद की अपनी एक विशेषता है, विशेषता है कि खासियत जिसको हम कहें, कि आयुर्वेद जो है वो व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति की, और वो भी पूरे व्यक्ति की, ना केवल शारीरिक चिकित्सा जो हम करते हैं या वहाँ पर मानसिक भी हम देखते हैं, इमोशनल भी देखते हैं और सूक्ष्म लेवल पर भी देखते हैं कि किसी प्रकार का वहाँ पर कोई दुष्टि तो नहीं हुई है। बहुत सारे रोग ऐसे हैं कि जहाँ पर हम ये देखते हैं आज कि इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गई है। बहुत सारे रोग ऐसे हैं जहाँ साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है। तो जब तक हम उस रूट कॉज को नहीं समझेंगे और उस रूट कॉज को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपको आराम नहीं आएगा। ख़ास तौर पर ऐसे रोग जिनको कि ये कह दिया जाता है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, ये सुन लीजिए ध्यान से, कि जहाँ आपको कहीं कान में पड़ा डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो वहाँ इसका मतलब है कि हम सूक्ष्म लेवल पर जाएंगे। हमारे यहाँ जो है कई प्रकार के चिकित्साएँ,
सत्वावजह चिकित्सा एक लिखी है, सत्व की वृद्धि करके चिकित्सा की जाती है। दैव विपाश्रय चिकित्सा है, स्पिरिचुअल जो हीलिंग जिसको बोलते हैं, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट्स भी होती हैं। तो बहुत विस्तृत एक ये चिकित्सा शास्त्र है आयुर्वेद, इसको हम आप तक पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे हैं और इस माध्यम से आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा आप एक कदम आगे बढ़ाएं तो आयुर्वेद आपके लिए तैयार है बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा आप बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आयुर्वेद बढ़ेगा, दोनों का मिलन होगा, मिलन होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और अपने जीवन को आनंद में आप बिताएंगे। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे थे एज रिलेटेड फिजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, वक्त हमारे पास बहुत कम है, ऐसे में चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एज तो फिजिकली होती है, लेकिन अगर आपका दिल जवान रहे, यानी जिसके अगर माइंड में आप यंग फील करें हमेशा, जिसका कि बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी का, बॉडी के ऊपर, तो फिर आप काफ़ी सारी बीमारियों को थोड़ा सा मेंटेन करके उनको चल सकते हैं, रोक के चल सकते हैं। तो हमेशा अपने दिल में जवान रहना चाहिए और जो सूक्ष्म लेवल की चीज़ें उनको समझना चाहिए। मैंने अभी बात की, हमारे सूक्ष्म लेवल पर वात पित्त कफ प्राण तेजस ओजस, इन चीज़ों को समझ करके थोड़ा उनको हम नरिश करेंगे तो शरीर तो बेचारा उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। शरीर तो केवल एक मैनिफेस्टिंग एरिया है, काम कहीं और हमें करना पड़ता है सूक्ष्म लेवल पर। वो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें तो आपको बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक आपकी बातों को जरूर समझने की कोशिश करेंगे और क्योर से पहले प्रिवेंशन के बारे में सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और ये सारी बातें हमसे शेयर करने के लिए। तो जैसे कि आज हमने बार बार कहा कि क्योर से पहले प्रिवेंशन पर ध्यान दीजिए, ताकि आपकी बढ़ती उम्र के साथ आपको वो कॉमन प्रॉब्लम से दो चार ना होना पड़े जो आमतौर पर लोगों को होना पड़ता है। आज के लिए आरोग्य मंत्र में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते हमारा हेल्पलाइन नंबर नोट करके रखिए, 01294040404। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं और info@jeeva.com हमारी वेबसाइट है, jeeva.com। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही जीवा की मैगजीन परम आयु को भी आप सब्सक्राइब करा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।